भाजपा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और उनके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उत्थान कार्यों को लेकर हल्द्वानी में एक सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जो भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं, उलझनों और बेहतर व्यापारिक के संबंधों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि व्यापारियों के लिए नई योजनाओं की क्रियान्वित करने से पहले चर्चा जरूरी है, ताकि किसी भी नई चीज के लागू होने पर उसके दूरगामी फायदों और नुकसान का आकलन किया जा सके। उधर यहां पहुंचे व्यापारियों ने तमाम चीजों को सामने रखते हुए व्यापारियों के शोषण को लेकर भी सवाल जवाब किए। कई व्यापारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा को ऐन चुनाव से पहले ही व्यापारियों की याद आई, मगर उन्हें कम उम्मीद है कि शायद कोई फायदा हो। हालांकि कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि शायद चुनाव से पहले व्यापारियों के लिए सरकार कुछ अच्छी घोषणा कर दे, बस इसलिए कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपको किसी अधिकारी के दबाव में भी काम नहीं करना है, क्योंकि जब ऑनलाइन चीजें कर दी हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सरकार ने हर संभव जितनी मैक्सिमम सुविधाएं व्यापारी भाइयों को दी जानी चाहिए थी पहले, वो पूरी की पूरी मैं समझता हूं कि रिक्वायरमेंट पूरी करी है। छुटमुट जो बातें होती रहती हैं, उन बातों को करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए इस नाते से व्यापारी भाइयों के विचार, वो क्या कह रहे हैं और सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये एक किसान से वार्ताओं का आदान प्रदान भी रहेगा। साथ ही संगठन के सभी वरिष्ठ लोग हैं, तो यह नौ वर्ष जो उल्लेखनीय रहा है भारतवर्ष के नव निर्माण में, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस तक पहुंच रही है और लोगों द्वारा उसको सराहा जा रहा है और लोगों द्वारा फिर से यह अभिमत दिया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की सीटों से अधिक सीटें लाकर पुनः केंद्र की सरकार बनाएगी। देखते हैं कि हमें उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाए। बातचीत के सम्मानित और लोकप्रिय विधायक आदरणीय व्यापारियों को देखने में आ रही है डॉक्टर मोहन सिंह पिछली समस्याएं। देखिए, अब तो आलू फल आदि सीजन से है, हमारे वहाँ कई प्रकार की समस्याएं जैसे कि रोडों पर अतिक्रमण, साफ सफाई और सड़कों निर्माण अभी तरह से ढंग से नहीं हुआ है। कई हमारे दुकानवीर लोग अभी भी हैं, उनकी कई इस प्रकार के भ्रष्टाचार बहुत अपनी चरम पर है, तो हमारी अनेक समस्याएं हैं। सारे व्यापारी आज बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, सरकार से, अधिकारियों से और सभी से। तो आपको लगता है ऐसी जो नहीं, उम्मीद है कि चुनाव का वर्ष है तो मुझे लगता है कि व्यापारियों की भी शायद इसमें इसका नंबर आ जाएगा, सुनवाई हो व्यापारियों की, ये उम्मीद के साथ हम भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं।